यूपी के संभल जिले में नखासा थाना क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काटकर चोरों ने करीब 10.5 लाख रुपए की रकम उड़ा ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बैंक और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी एकत्र कर ली है। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की हैं। बता दें कि नखासा थाना क्षेत्र में मैथा मंडी स्थित आर समाज रोड पर अलग अलग बैंकों की 7 शाखाएं हैं। इन्हीं में से आर समाज के सामने एक्सिस बैंक के बराबर में बैंक ऑफ इंडिया बैंक का भवन है और इसी के नजदीक बैंक का एटीएम भी लगा हुआ है। इस एटीएम में कैश लगाने का जिम्मा सिक्योरिटी ट्रांस नामक कंपनी के पास है। इस सिक्योरिटी कंपनी के अधिकारियों द्वारा 16 जून को बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में करीब 15 लाख रुपए की रकम डाली गई थी, जहां से उसी रात करीब 10:30 बजे 1000 रुपए का किसी ने निकासी की थी। शनिवार को चौथे दिन सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी एटीएम में कैश डालने के लिए पहुंचे तो उसका शटर बंद था। इस पर कर्मचारियों ने शटर खोला तो वे चौंक गए, क्योंकि अंदर एटीएम मशीन टूटी हुई थी और उसमें लगे कैश बॉक्स बाहर निकले पड़े थे, जिसमें रखा हुआ कैश भी गायब था। इतना ही नहीं, एटीएम के पास में एक हथौड़ी, सूजा और ताला भी रखा हुआ था। इस पर कंपनी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। एटीएम तोड़कर कैश गायब होने की सूचना मिलने पर पुलिस में भी हड़कंप मच गया।